हे गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। देन जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा NEET 22 का रिजल्ट तो आ चुका है, लेकिन उसकी काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो अपडेट है वो अभी तक नहीं आया है, और ना ही NMC ने अपनी वेबसाइट पर ऐसा कुछ अपडेट किया है जिससे पता चल सके कि काउंसलिंग कब तक हो पाएगी, यानी कि कब तक उसके आने के होने के चांसेस हैं। लेकिन अब NMC ये चीज़ डिले क्यों कर रहा है, इसके पीछे का रीज़न प्रॉपर पता चल चुका है। एंड 29th of September यानी कि आने वाला जो फ्राइडे है वो एक बड़ा दिन रहने वाला है, इसी के रिगार्डिंग कि आपकी काउंसलिंग कब तक होने के चांसेस है। क्या इसी मंथ में काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई अपडेट आता है या फिर नहीं? तो सीधे चलते हैं उस नोटिफिकेशन पर, उस न्यूज़ पर जो कि 29th of September से रिलेटेड है, एंड सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि NMC ने एक बिल पास किया है, और उस बिल में ये डिटेल्स लिखी गई है जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है या फिर जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है उनकी 50% सीट्स पर जो फीस लगने वाली है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस की जितनी फीस होगी उतनी ही फीस लगेगी। काफ़ी सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, इस रूल को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे स्टेट्स भी हैं जिन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। एक्सेप्ट नहीं किया है यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसके अगेंस्ट एक पेटिशन भी फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, और उस पेटिशन पर जो हियरिंग होने वाली है सुप्रीम कोर्ट की वो 29th of September को होने वाली है, जिस हियरिंग को जो है वो सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह जो है वो हेयर करेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये जो है वो फ्राइडे नेक्स्ट वीक होने वाली है 29th of September को। इतना मैं आपको बता चुका हूँ किस स्टेट ने इसको लेकर पेटिशन फाइल की है उसमें देख लेते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश और झारखंड, दो ऐसे स्टेट्स हैं जिनके हेल्थ मिनिस्टर ने ये अप्रूव कर दिया है, एक्सेप्ट कर लिया है कि हम अपने स्टेट में ये जो रूल है वो लागू कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन तमिलनाडु पहला स्टेट है, दूसरा है केरला। इन दोनों स्टेट ने जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया है, और सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन जो है वो फाइल की है। इसी पेटिशन पर सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग है वो 29th of September में होने वाली है। देन 29th of September को पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या एक्शन लेता है। अगर 29th of September को सुप्रीम कोर्ट इसका एक फाइनल डिसीजन दे देता है तब तो हमारे काउंसलिंग के स्टार्ट होने के चांसेस 1st वीक ऑफ अक्टूबर तक शुरू हो जाएगी, यानी कि पूरा इसके रिगार्डिंग जो स्केड्यूल वगैरह है वो आ जाएगा। लेकिन इसको अगर आगे किया जाता है हियरिंग की, तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि आपका जो काउंसलिंग के रिगार्डिंग अपडेट है वो अक्टूबर मंथ में भी ना आए। देन ये एक मेजर रीजन है आपकी NEET 22 की काउंसलिंग डिले होने के पीछे का। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, मुझे खुद नहीं पता चल रहा था कि ये जो चीज़ है, ये जो काउंसलिंग है वो डिले क्यों हो रही है, क्योंकि आगे एग्जाम्स भी जुलाई में, मई में या फिर जुलाई में इनको करवाने हैं 23 के, एंड उसके लिए भी स्टूडेंट्स को प्रॉपर टाइम चाहिए। तो अगर अभी ये डिले करते हैं तो उनको प्रॉपर टाइमिंग जो है वो नहीं मिल पाएगी। तो इसी के चलते जल्द से जल्द काउंसलिंग की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट की जानी चाहिए, लेकिन अभी तक NMC ने इसके ऊपर कोई भी अपडेट नहीं दिया है। देन 29th of September को देखते हैं क्या बनता है, और इसके ऊपर जो भी अपडेट रहेगा उसकी इन्फॉर्मेशन चैनल पर आपको दे दी जाएगी। देन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। एंड आपको क्या लगता है, आपके क्या ओपिनियंस एंड थॉट्स हैं उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मेडिकल एजुकेशन के रिगार्डिंग ऐसी ही वीडियोस आपको आगे भी मिलने वाली है। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।